स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव स्वर्ण महल ज्वेलर्स सेंट्रल मार्केट रोड शास्त्री नगर मेरठ। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मेरठ में हुए बवाल के बाद अब मेरठ की क्रांति धारा अमन और शांति की पटरी पर लौट चुकी है, जिसको लेकर अधिकारी लगातार दंगाई इलाकों में गश्त करते नजर आ रहे हैं। चौराहों पर सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मेरठ में 5 दिन पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ती चली गई। दंगाइयों की गोली से ही 5 युवकों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस चौकी से 1.5 दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग भी लगा दी गई थी, जिससे दंगा हुआ भड़क गया था। लेकिन मेरठ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दंगे को काबू किया और अब मेरठ की क्रांति धारा अमन और शांति की पटरी पर लौट चुकी है। यही नहीं, प्रदर्शन के नाम पर बवाल करने वाले सैकड़ों दंगाइयों को चिन्हित भी किया गया है, जिनके लिए शहर में पोस्टर लगाने के साथ ही आम जनता की मदद भी ली जा रही है। यही नहीं, पोस्टर में दिख रहे दंगाइयों की सूचना देने पर उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखकर उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, और जिन लाइसेंसी धारक लोगों ने अपने हथियारों से उस दिन फायर किए थे, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया की जा रही है। लगभग 32 लोग अरेस्ट हैं, 13 मुकदमे अब तक पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी है और पब्लिक की तरफ से और कुछ पत्रकारों की तरफ से है, जिनके साथ तोड़ मारपीट किया गया है, लूटपाट किया गया है। और इसमें लगभग जो हम लोगों ने चिन्हित किया है, सैकड़ों लोगों को चिन्हित करा लिए हैं, 700 अज्ञात हैं, 141 नामजद अपराधी हैं, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, इवन उस इलाके के हैं, और उस दिन जान और माल की सुरक्षा के लिए लोग सामने नहीं आए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, तो उसमें भी संदिग्धता के आधार पर इनको नोटिस हम जारी करा रहे हैं। पहचान के लिए सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं, सबको सम्मिलित करते हुए हम लोगों ने अपने स्तर से भी जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई थी, CCTV फुटेज जो भी मिले हुए हैं, उनके आधार पर हम लोग उनके फोटोग्राफ बनवा रहे हैं, जगह जगह चस्पा करा रहे हैं कि लोग इनकी पहचान करके इनको हमको अवगत कराएं, और उनका नाम गोपनीय रखते हुए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जय भीम TV के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।